हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम जॉन कीट्स की हाइपेरियन डिस्कस करेंगे। हाइपेरियन की जो बुक वन है उसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। बुक वन जो है उसमें हमारी 390 लाइन है और 350 लाइन्स है ऑलमोस्ट, तो मैं जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर कर चुकी हूँ 134 लाइन्स तक। और अब जो हम है इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे जो कि है 135 लाइन से मैं जो है ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो अभी तक जो है हम देख चुके हैं कि जो टाइटन्स है वो हार चुके हैं और सैटर्न जो है वो बहुत ही दुखी है, ज़मीन पे उदास पड़ा हुआ है। और जो थिया है हाइपेरियन की वाइफ, वो है जो सैटर्न को यहाँ बात करने के लिए, उसे मनाने के लिए थोड़ा आई है, अपना दुख जाहिर करने के लिए वो इधर आई हुई है। अब जब वो बात कर रहे हैं तो सैटर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो थिया से कहते हैं कि थिया 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 बताओ सैटर्न किधर है, लाइक, क्योंकि वो वापस जीतना चाहता है, उसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वो कि वो हार चुका है। तब हम लाइन 135 से शुरू करेंगे। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखिए, तभी आपको जो है सेकंड पार्ट समझ में आएगा अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विद लाइन 135। दिस पैशन लिफ्टेड हिम अपॉन हिज फीट एंड मेड हिज हैंड्स टू स्ट्रगल इन द एयर। अब सडनली जो उसके अंदर का पैशन जाग चुका है कि उसे जीतना है वापस, तो उसके जो पैर हैं उनमें सडनली जान आ गई है और उसके जो हाथ है जो अभी तक हमने देखा था कि किसी डेड बॉडी के हाथ की तरफ पड़े हुए थे, उन्होंने हवा में थोड़ा स्ट्रगल किया उठने के लिए। His druid locks to shake and ooze with sweat. Druid का मतलब होता है कोई priest या magician जो कि Celtic region में जो रहा करते थे, तो वैसे उसके locks यानी उसके बाल जो हैं वो हिलने लगे और ooze with sweat यानी पसीने से वो ooze होने लगे, चमकने जो लगते वैसे। His eyes to fever out, his voice to cease. उसकी जो आँखें बुखार में कैसी बाहर निकलने लगती, गर्म होने लगती वैसी, और उसकी आवाज़ जो है वो रुकने लगी है। He stood and heard not the sobbing deep. वो खड़ा हुआ और उसने थिया की जो सॉबिंग है, जो रोते वक्त हम सिसकते हैं, उसे वो जो सॉबिंग है वो सुनाई देना बंद हो गया। अ लिटिल टाइम एंड देन अगेन ही स्नैच्ड अटेंडेंस दस बट कांट आई क्रिएट। थोड़ी देर वो खड़ा, लाइक थोड़ी देर वो ऐसे ही रहा और फिर उसके बाद उसे एकदम वापस से वो ध्यान में आया, होश में आया, और फिर वो एकदम से चीखा चिल्लाया कि बट कांट आई क्रिएट, क्या मैं क्रिएट नहीं कर सकता। कांट आई फॉर्म, कांट आई फैशन फॉर्थ अनदर वर्ल्ड अनदर यूनिवर्स। कह रहा है कि क्या मैं नया वर्ल्ड या नया यूनिवर्स नहीं बना सकता। टू ओवरबियर एंड क्रम्बल दिस टू नॉट, वेयर इज़ अनदर केओस वेयर। वो बोल रहा है कि मैं इस वाले को मिट्टी में मिला दूंगा, क्रम्बल कर दूंगा, और जो दूसरा वाला है, दूसरा जो भी केओस होगा, क्योंकि इन्होंने जब धरती बनाई थी तो केओस से ही बनाई थी, तो वो कह रहे हैं कि कहाँ है दूसरा केओस, वेयर दैट वर्ल्ड फाउंड वे ऑन टू ओलंपस एंड मेड क्वेक। ये जो वर्ड है ये ओलंपस तक इसकी आवाज़ गई और क्वेक, जैसे हिल जाता है जो क्वेक, वैसी वो आवाज़ आई। द रेबेल थ्री, रेबेल थ्री जो है वो है जो, पोसिडियन और हेड्स। जो टाइटन्स हैं वो उन्हें रेबेल थ्री कहा करते थे क्योंकि उन्होंने जो है अथॉरिटी को डिफाई किया है। जो असल में जियस गॉड थे और कीट्स ने उनका रोमन नाम यूज़ किया है। जो जो है वो भगवान है स्काई के यानी आसमान के, पोसिडियन जो है वो सी के भगवान है, और हेड्स जो है वो अंडरवर्ल्ड के भगवान हैं। तो जो चीफ ओलंपियन अथॉरिटी थी, स्काई, सी और अर्थ, इन तीनों को उन्होंने कवर कर लिया था और इसीलिए जो है ये लोग जीत गए थे और ये अब नए भगवान वहाँ के बन गए थे। तो वो कह रहा है कि कहाँ है ये थ्री, लाइक ये जो थ्री है ये कहाँ है, ये रेबल थ्री किधर है, क्योंकि इनकी वजह से ही जो है उन्होंने पूरा सब कवर कर लिया, आसमान, समंदर और ज़मीन कवर हो चुका है। हाँ, तो जो रेबेल थ्री थे उन्होंने आसमान, समंदर और धरती पे जो अपना पूरा कब्जा कर लिया है। अब थिया वो स्टार्टल्ड अप एंड इन हर बियरिंग वॉज अ सॉर्ट ऑफ होप एज द शी क्विक वॉइस स्पेक येट फुल ऑफ अव। अब जो है स्टार्टल हो जाना यानी एकदम चौंक जाना, तो वो जो है एकदम चौंक गई और उसकी आंखों में अब एक तरीके की होप थी, क्योंकि अब वो जो है सैटर्न की बातें सुन के उसकी आंखों में एक होप जागी है और इसीलिए वो एकदम पूरी एक जल्दी जल्दी क्विक वॉइस में वो बोली, लेकिन फुल ऑफ अव यानी अभी भी वो अचंभित थी, आश्चर्यचकित थी, ऐसी आवाज़ में वो बोली। दिस चीयर्स अवर फॉलन हाउस, कम टू अवर फ्रेंड्स, ओ सैटर्न कम अवे एंड गिव देम हार्ट। अब क्योंकि सडनली उसकी भी जो है वो शॉक में आ गई, लेकिन पॉजिटिव शॉक में वो आ गई, उसे एक होप जा गई है, तो वो बोली कि तुम भी चलो हमारे फॉलन हाउस की तरफ, कम टू अवर फ्रेंड्स, जहाँ पे जो है हारे हुए टाइटन्स जो हैं उनके कुछ दोस्त वहाँ पे वेट कर रहे हैं। ओ सैटर्न कम अवे गिव देम हार्ट, तुम आओ और उन्हें थोड़ा धीरज दो। आई नो द कोवर्ट फॉर देंस केम आई हीदर, मैं जानती हूँ कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ रुके हुए हैं, इसीलिए मैं इधर आई हूँ। दस ब्रीफ देन विद बिसीजिंग आइस शी वेंट विथ बैकवर्ड फुटिंग थ्रू द शेड अ स्पेस। और इसीलिए फिर जो है वो उसे लेके गए, उसने बोला कि चलो तुम मेरे साथ चलो इस स्पेस में, शेड में तुम चलो। ही फॉलोड एंड शी टर्न टू लीड द वे, वो उसने जो है सैटर्न ने थिया को फॉलो किया, एंड शी टर्न यानी वो मुड़ी टू लीड द वे, कि वो जो है लीड करेगी और सैटर्न उसको फॉलो करेगा।
एज बोज दैट यील्डेड लाइक मिस्ट विद ईगल क्लेव अप माउंटिंग फ्रॉम देयर नेस्ट. तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस तरफ पूरी मिस्ट यानी धुंध है और जो ईगल्स हैं वो अपने नेस्ट से सर उठा उठा कर देख रहे हैं. Meanwhile, in other realms, big tears were shed. More sorrows like this and such like woe, too huge for mortal tongue or pen of scribe. तो अब क्या हो रहा है कि realm यानी जो राज्य है, दूसरा राज्य जहाँ पे ये जो लोग हार गए हैं और सारे भगवान जो इकट्ठा बैठे हुए हैं, big tears were shed, बड़े बड़े आंसू वो लोग बहा रहे हैं और ऐसे ही बहुत सारे दुख. More sorrows like to this and such like woe, इतना ही दुख और दर्द उनके जीवन में है और ये दर्द इतना बड़ा है कि मॉर्टल टंग या पेन जो है, मॉर्टल यानी हमारे जैसे लोग जो मर सकते हैं, जो इमॉर्टल नहीं है मर जाएंगे जो, तो हमारे जैसे जो लोग हैं हमारी टंग उस पेन को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती है, हमारा जो पेन है वो उसे लिख नहीं सकता है. द टाइटन्स फियर सेल्फेड और प्रिजन बाउंड. जो टाइटन्स थे उनको या तो वो लोग छुपे हुए थे या फिर उनको जेल में डाल दिया गया था, जो जीते हुए लोग उन्होंने उनको जेल में डाल दिया था. Groan for all old alliance once more. और ये जो लोग हैं groan करना यानी कराहना old alliance के लिए, लाइक पहले जो उनकी जीत प्राप्त की हुई थी उन्होंने उसके लिए वो एक बार और करा रहे हैं. And listened in sharp pain for Saturn's voice. और ये लोग जो है अब क्योंकि वो लोग हार चुके हैं तो वो अपना जो लीडर है उसकी आवाज़ के लिए वो लोग वेट कर रहे हैं. उनको बहुत दर्द हो रहा है, sharp pain उन्हें हो रहा है, लेकिन वो sharp pain से Saturn की voice का इंतज़ार कर रहे हैं. But one of the whole mammoth brood still kept her sovereignty and rule and majesty. मैमथ यानी जो पुराने जब डायनासोर्स हुआ करते थे उस वक्त में एक हाथी की तरह एक बहुत ही बड़ा जानवर हुआ करता था, वो मैमथ हुआ करते थे, उतना बड़ा लाइक ह्यूज जो है वैसे ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं. और सोवर्निटी एंड रूल एंड मैजेस्टी, अच्छी अच्छी चीज़ों की वो बात कर रहे हैं. ब्लेजिंग हाइपेरियन ऑन इज ऑब्ड फायर, ऐसे में जो है हाइपेरियन उधर अपनी आग के साथ आया. स्टिल सैड स्टिल स्नफ्ड द इंसेंस टीमिंग अप फ्रॉम मैन टू सन्स गॉड. वो अभी भी बैठा हुआ है और इंसेंस यानी जो अगरबत्ती खुशबू होती है उसकी वो बात कर रहे हैं. फॉर मैन टू सन्स गॉड यानी जो है सन सूरज भगवान का ये बेटा है. येट अनसिक्योर फॉर एज अमंगस मॉर्टल वुमेन्स ड्रियर, यानी कि ये है तो सूर्य भगवान का बेटा यानी वो हमारी तरह नहीं है, वो हमसे थोड़ा आगे ही है, लेकिन फिर भी ये अनसिक्योर यानी इनसिक्योर है अमंग्स अस मॉर्टल, हमारे जैसे जो मर जाने वाले लोग हैं हमें कैसे ओमेंस यानी बुरी चीज़ों से डर लगता है, वैसे ही वो भी इनसिक्योर है, डरा हुआ है. फ्राइट एंड परप्लेक्स, उसे भी डर लग रहा है. सो ऑल्सो शडर्डी, और वो भी लाइक कप कपाते हैं डर के मारे, वैसा वो बैठा हुआ है. नॉट एट डॉग्स हाउल और ग्लूम बर्ड्स हेटेड स्क्रीच और एट फेमिलियर विजिटिंग ऑफ वन अपॉन द फर्स्ट स्टॉल ऑफ हिज पासिंग बेल. वो एकदम लाइक शडर किया लेकिन किसी कुत्ते के गुर्राने पे नहीं, ना ही किसी बर्ड के किसी पक्षी के स्क्रीच चिल्लाने पे, या फिर कोई फैमिलियर इंसान उसे विजिट करता है तो वो जो घंटी बजाते हैं उससे भी वो नहीं घबराया. और प्रोफेसिंग्स ऑफ मिडनाइट लैम्प, प्रोफेसी करना यानी फ्यूचर बताना, तो मिडनाइट रात को जो दिए जलते हैं उसमें कोई प्रोफेसी, उससे भी उनसे डर नहीं लगता है. बट हॉरर्स पोर्शन टू जॉइंट नर्व ऑफ्ट मेड हाइपेरियन एज, इन सब चीज़ों से उसे डर नहीं लगता है लेकिन जो जॉइंट नर्व जो बहुत बड़ी नर्व उसके खुद के दिमाग में है जिससे कि वो सोच रहा है उससे जो है हाइपेरियन को दर्द हो रहा है. तो अभी तक सैटर्न वाला जो एरिया था वो हमने पूरा कवर कर लिया कि कैसे सैटर्न जो है वो परेशानी थिया उसे आती है और अपने वाले जो लोग हार चुके हैं उनके साथ चलने के लिए कहती है, तो सैटर्न जो है वो वहाँ जाता है. अब जो है हम हाइपेरियन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि हाइपेरियन जो है यही एक इकलौता था जो अभी तक हारा नहीं था, बाकी जो सब हैं ये लोग हार चुके थे. तो अब हाइपेरियन भी जो है वो भी क्योंकि उसके टीम के सारे लोग हार चुके तो उसे भी डर तो लग ही रहा है कि वो भी हारने वाला है. ही कांट डू मच, भी है तो वो भगवान लाइक सूरज भगवान का बेटा लेकिन फिर भी उसे जो है वो डर लग रहा है. तो अब वो हाइपेरियन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हाइपेरियन के वहाँ क्या चल रहा है. His palace bright bastion with the pyramids of growing gold and touched with shade of bronze obelisk. तो अब इसका जो palace है वो सोने वोने से बना हुआ वैसे ही वो चमक रहा है. Glared blood red through all its thousand courts, arches and domes and fairy gardens. यहाँ पे जो poet हैं वो उनके जो हाइपेरियन है उनके महल को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे उनके उस महल की जो आर्चेज हैं जो डोम्स हैं गैलरीज हैं उस सबको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. उसके कौन कौन से पर्दे हैं. फॉर ऑल इट्स कर्टन्स ऑफ अरोरियन क्लाउड्स फ्लश्ड एंगरली वाइल सम टाइम्स ईगल्स विंग्स, लाइक जो अरोरियन क्लाउड हैं यानी जो अरोरा वाले जैसे जो आसमान है वो सब इनमें भी गुस्सा भरा हुआ है. फ्लश्ड एंगरली वाइल सम ईगल्स विंग्स अनसीन बिफोर बाय गॉड्स और वंडरिंग मैन. अब यहाँ पे जो हो रहा है जैसे कि मैं अपने पहले वाले इस वीडियो में बता चुकी हूँ जो कि हाइपेरियन के बारे में है,
वो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था जहाँ पे कि इस राजा को हटा के जो है प्रजा ने नई सत्ता को शक्ति में पावर में लाया था, तो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को दिखाती हुई ये डेमोक्रेसी के आगमन के लिए ये पोयम जो है लिखी गई है। तो कीट्स ने कहा कि जो डीथ्रोनमेंट हुआ है कि जो पावर जो थ्रोन में है जो पावर में जिसके पास राज्य है उसे हटा के जो है हम नए राजाओं को रूलिंग बनाते हैं, इसको जो है ये पूरा प्रोसेस जो है स्पेशली जो लाइन है अनसीन बिफोर बाय गॉड्स और वंडरिंग मैन, ये जो लाइन है कहा जाता है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बताता है, वैसे यहाँ पे होगा लाइक ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा ना हो। डार्क इन द प्लेस एंड नाइंग स्टीड्स वर हर्ड नॉट हर्ड बिफोर बाय गॉड्स और वंडरिंग मैन, क्योंकि अब जो है सब जगह अंधेरा छा रहा है और बहुत सारी चीज़ों ने सुनाई दे रही हैं जो कि पहले ना ही इंसान ना ही भगवान उन किसी ने भी सुनी थी ऐसी आवाज़ें। Also when he would taste the spicy reeds of incense breath aloft from sacred hill, और जैसे पहले जो है स्पाइसी रीत जो दरवाजे पे टांगते हैं कुछ रिलीजियस चीज़ें जो होती हैं साइन कुछ होते रिलीजियस, वैसे जो है उनका जो स्वाद इसे पहले जो आता था सेक्रेड हिल्स पे से, और जैसे कि मीठे की जगह इंस्टेड ऑफ स्वीट्स हिज एम्पल पैलेट टुक सेवियर ऑफ पॉइजनस ब्रास एंड मेटल स्टिक्स, तो मीठा लेने की जगह इसका जो पैलेट है यानी हमारे माउथ में जो टेस्ट पैलेट होता है उसमें जो है मीठा लेने की जगह जो हाइपेरियन है वो पॉइजनस ब्रास और मेटल के स्टिक जो है वो ले रहा है। एंड सो व्हेन हार्बर्ड इन द स्लीपी वेस्ट आफ्टर फुल कंप्लीशन ऑफ फेयर डे, और इसीलिए जो है जब वेस्ट में इसकी पूरी नींद हो गई जब पूरा जो दिन है एक पूरा फेयर डे जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फॉर रेस्ट डिवाइन अपॉन एग्जॉल्टेड काउच एंड स्लम्बर इन द आर्म्स ऑफ मेलेडी, और इसीलिए जो डिवाइन है ये जो है अब अपने काउच पे आराम कर रहा है स्लम्बर्ड इन द आर्म्स ऑफ मेलेडी, जो मेलेडी संगीत बज रहा है उसकी बाहों में ये आराम कर रहा है। ही पैक्ड अवे द प्लेजेंट आवर्स ऑफ ईस विद स्ट्राइडल कोलोसल ऑन फ्रॉम हॉल टू हॉल, और इसीलिए जो है जो प्लेजेंट आवर्स ऑफ ईस्ट यानी जो रात का वक्त है जो आराम का वक्त है उसमें ये स्ट्राइड करा यहाँ से वहाँ जा रहा है, कलोसल यानी बहुत बड़ा कुछ भी ह्यूमंगस या मैसिव जो है, तो वैसे ही बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है फ्रॉम हॉल टू हॉल एक हॉल से दूसरे हॉल में वो जा रहा है। वाइल फार विद इन ईच आइल एंड डीप रेसेस हिज विंग्ड मिनियंस इन क्लोज क्लस्टर स्टूड, उसके जो मिनियंस है विंग्ड मिनियंस मिनियंस एंड छोटे छोटे जो क्रीचर्स होते हैं पंख लगे जो छोटे छोटे क्रीचर्स हैं वो क्लस्टर में ग्रुप में खड़े हैं अमेज्ड एंड फुल ऑफ फियर, वो जो मिनियंस हैं वो बहुत चौके हुए हैं और उन्हें बहुत डर लग रहा है, लाइक एंग्शियस मैन हु ऑन वाइट प्लेन्स गैदर इन पैंटिंग ट्रूप्स, जैसे कि वो इंसान जिन्हें बहुत एंजाइटी होती है और वो लोग एक ट्रूप्स में जैसे हम युद्ध के लिए जब जाते हैं तो ट्रूप्स में लोग जाते हैं वैसे वो कैसे खड़े रहते हैं वैसे ही जो मिनियंस हैं वो खड़े हैं। व्हेन अर्थक्वेक जार्स देयर बैटलमेंट एंड टावर्स इवन नाउ व्हाइल सर्टन राउस फ्रॉम आईसी ट्रांस, और जैसे अर्थक्वेक जो है वो जब भूकंप आता है तो टावर्स वगैरह सबको हिला देता है वैसे ही जो सैटर्न है वो अपने आईसी ट्रांस से उठा। वेन स्टेप फॉर स्टेप विद थिया थ्रू द वुड्स, और फिर जो है वो थिया के साथ में स्टेप फॉर स्टेप जैसे जैसे थिया जहाँ जा रही थी जहाँ वो कदम रख रही थी वैसे ही वो भी कदम रख रहा था जंगलों में। हाइपेरियन लीविंग ट्वाइलाइट इन द रियर केम स्लोप अपॉन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द वेस्ट, और हाइपेरियन भी जो है वो ट्वाइलाइट में जो है अपना जगह छोड़ता है केम स्लोप अपॉन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द वेस्ट, वो जो वेस्ट का थ्रेशहोल्ड है उस तरफ आता है। देन एज वॉज वॉन्ट हिज पैलेस डोर फ्लू ओप, उसका जो पैलेस का दरवाज़ा है वो खुला। इन स्मूद साइलेंस सेव द सोलोमन ट्यूब्स, और बहुत ही स्मूद साइलेंस में जो है वो अंदर घुसा ब्लोन बाय सीरियस ज़ेफिरस गेव ऑफ स्वीट, अभी जो जेफर्स है ये सीरियस जेफर्स यानी स्प्रिंग में जो स्प्रिंग के मौसम में जो ठंडी हवा चलती है ब्रीज चलती है उसने जो है इसको ग्रीट किया। गेव ऑफ स्वीट एंड वॉन्डरिंग साउंड सो स्लो ब्रेदेड मेलेडीज़, जो जेफर्स है उसने इसे वॉन्डरिंग साउंड लाइक आवाज़ इसे आई और धीरे धीरे ये सांस ले रहा था और उसी के साथ संगीत बज रहा था। एंड लाइक अ रोज इन वर्मिल टिंट एंड शेप इन फ्रेग्रेंस सॉफ्ट एंड कूलनेस टू द आई, और जैसे कि जो रोज़ है वो उसके शेप में उसकी फ्रेग्रेंस और उसकी सॉफ्टनेस उससे उसकी आंखों को थोड़ी शांति मिल रही है। द इनलेट टू सीवियर मैग्निफिसेंस स्टूड फुल ब्लोन फॉर गॉड टू एंटर, और इसीलिए जो इनलेट एंड जो दरवाज़ा है वो एकदम मैग्निफिकेंस यानी बहुत बड़े ग्रैंड वे में वो दरवाज़ा वहाँ खड़ा है फुल ब्लोन फॉर द गॉड टू एंटर, वो ऐसे तैयार खड़ा है कि भगवान जो है वो इसके अंदर आएंगे।
ही एंटर्ड बट ही एंटर्ड फुल ऑफ रैथ. वो एंटर तो हुआ लेकिन वो रैथ यानी बहुत ही ज़्यादा गुस्से से एंटर हुआ. हिज फ्लेमिंग रोब्स स्ट्रीम्ड आउट बियॉन्ड हिज हील्स. रोब्स यानी उसके जो कपड़े हैं वो भी मतलब जल रहे थे गुस्से के मारे. एंड गेव अ रोर एज इफ ऑफ अर्थली फायर. उसने रोर किया जैसे शेर जो है वो दहाड़ता है, वैसे वो किया जैसे कि अर्थली फायर जमीन पर धरती पर जैसे फायर होती है वैसे वो दहाड़ा. That scarred away the meek ethereal hours and made their dove wing tremble. और जो ethereal यानी जो कि धरती का नहीं है जो कि स्वर्ग का है मान लीजिए हमसे जो बेहतर है जो ऊपर है, तो ऐसे जो hours ethereal hours जो हैं उनको उसने scar कर दिया, डरा दिया उनको. एंड मेड देयर डव विंग्स ट्रेम्बल. और डव जो है उनके पंखों को उसने फड़फड़ा दिया, वो डर के मारे कांपने लगे. ओ ही फ्लर्ड फ्रॉम स्टेटली नेव टू नेव फ्रॉम वॉल टू वॉल. वो ऐसे गुस्से में यहाँ से वहाँ नेव टू नेव वॉल टू वॉल यहाँ से वहाँ वो जाता रहा. थ्रू बावर्स ऑफ फ्रेगमेंट एंड इन रीटेड लाइट एंड डायमंड पेव लस्टरस लॉन्ग आर्केड्स. अब अगेन वो जो महल में जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो अनरीथेड लाइट है और जो बावर्स हैं और डायमंड पेव जो आर्केड्स हैं इन सब में वो जा रहा है यहाँ से वहाँ गुस्से में दंदनाते हुए नहीं जाते वैसा. अनटिल ही रीच द मेन क्यूपोला. जो मेन वो ये सब करता रहा जब तक कि वो मेन क्यूपोला में नहीं पहुँच गया. दे आर स्टैंडिंग फियर्स बीनीथ ही स्टैम्प्ड हिज फूट. वहाँ पे वो बहुत फियर्सली खड़ा रहा और उसने अपना पैर पटका स्टैम्प्ड हिज फूट. एंड फ्रॉम द बेसमेंट डीप टू द हाई टावर्स जार्ड हिज ओन गोल्डन रीजन. और फिर बेसमेंट से लेके हाई टावर्स तक उसने जो अपना खुद का ही गोल्डन रीजन को जार कर दिया. एंड बिफोर द क्वेवरिंग थंडर देयर अपॉन हैड सीज्ड हिज वॉइस लेप्ट आउट. और इसके पहले कि जो थंडर है, थंडर यानी जो बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, ये रुक जाता उसकी आवाज़ जो है वो बाहर निकली. हिज वॉइस लेप्ट आउट डिस्पाइट द गॉड लाइक कर्ब टू दिस रिजल्ट ओ ड्रीम्स ऑफ डे एंड नाइट. उसकी आवाज़ निकली ओ ड्रीम्स ऑफ डे एंड नाइट ओ मॉन्स्टरस फॉर्म्स ओ एफिजीज ऑफ पेन ओ स्पेक्टर्स बिजी इन कोल्ड कोल्ड ग्लूम. यानी कि अब वो इन सब चीज़ों को बुला रहा है, उनको बोल रहा है कि तुम सुनो. ओ लैंग्ड ईयर फैंटम ऑफ ब्लैक वीडेड पूल्स वाई डू आई नो ये वाई हैव आई सीन ये वाई इज़ माई इटर्नल एसेंस दस डिस्ट्रॉड टू सी एंड बिहोल्ड दिस हॉरर न्यू. यानी वो कह रहा है कि तुम जो सपने हो, तुम जो मॉन्स्टर्स फॉर्म्स हो, तुम जो पेन हो, तुम जो ठंड और दर्द हो और ये सब चीज़ें जो हैं फैंटम्स यानी भूत आप मान लीजिए एक तरीके के भूत, ब्लैक वीडेड पूल्स के जो भूत हैं मतलब सब बुरी बुरी चीज़ें हैं, तुम सुनो तुमको मैं लाइक मैं तुम्हें क्यों देख पा रहा हूँ, मुझे तुम्हें क्यों मिलना पड़ रहा है, मेरा जो इटर्नल एसेंस है वो बर्बाद हो चुका है. टू सी एंड टू बिहोल्ड दीज हॉरर्स न्यू. ये जो मुझे ये नए हॉरर्स को देखना पड़ रहा है क्यों. सैटर्न इज़ फॉलन एम आई टू टू फॉल. अब हाइपेरियन जो है वो कह रहा है कि सैटर्न तो जो है वो हार चुका है, अब क्या मुझे भी हारना पड़ेगा. Am I to leave this haven of my rest? क्या मुझे अपना ये rest का haven जो है ये मुझे छोड़ना पड़ेगा. This cradle of my glory, this soft climb, this calm luxuriance of blissful light. यानी कि मेरी जो glory है, ये जो मेरा climb है, ये जो मेरा luxurious सब कुछ मेरे आसपास जो है, ये light जो है, ये सब क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा. This crystalline pavilion and pure fanes of all my lucent empire. क्या ये जो मेरा पूरा empire है, ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा. It is left deserted, void, nor any haunt of mine. ये जो पूरी जगह है इसको desert कर दिया गया है यानी छोड़ दिया गया है, अकेला छोड़ दिया गया है. void यानी जहाँ कुछ भी नहीं होता है, ऐसी जगह पे मुझे haunt करने के लिए तुमने छोड़ दिया यहाँ पे. The blaze splendor and the symmetry I cannot see, but darkness, death and darkness. जो blaze है, जो splendor और symmetry है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब तो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, बट क्या दिख रहा है मुझे, सिर्फ darkness, death और darkness ही मुझे दिखाई दे रही है. Every hair into my center of repose, the shady vision came to domineer. Repose करना यानी आराम करना. तो even यहाँ जहाँ पर मैं आराम करता हूँ, center of my repose जो है, वहाँ पर भी मुझे ये shady visions आ रहे हैं, यानी ये बुरे जो विचार है, जो ख्याल है, वो मुझे आ रहे हैं. Insult and blind and stifle up my pomp. ये जो है मुझे insult कर रहे हैं, मुझे अंधा कर रहे हैं. Fall, no, by Tellus and her briny robes. तो टाइटन्स के एक और भगवान थी, गॉडेस ऑफ अर्थ जो है टेलस. वो तो ब्राइनी रोब्स इन दिस लैंड रेफर्स टू द ओशन विच सीम्स लाइक अर्थ का स्कर्ट. यानी कि ओशन जो है वो अर्थ के स्कर्ट की तरह लगते हैं. तो वो टाइनी टेलस जो है उसे वो कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारे ब्राइनी रोब्स जो हैं ओवर द फीरी फ्रंटियर ऑफ माई रील्स.
तो मेरा जो रीम्स यानी मेरा जो राज्य है उसके वहाँ पे आई विल एडवांस अ टेरिबल राइट आर्म शेल्स केयर द इन्फेंट थंडर रेबल जो, वो कह रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी राइट आर्म से ही जो है मैं जो जो भगवान है क्योंकि वो जो है अब मेन इंचार्ज हैं जीती हुई टीम ओलंपियंस के, तो ये जो जव है रिबेल जव है इसको मैं सबक सिखाऊंगा। एंड बिड ओल्ड सैटर्न टेक हिज थ्रोन अगेन, और मैं क्या करूंगा कि जो पुराना सैटर्न है उसे वापस उसका राज्य दिला दूंगा। ही स्पेक एंड सीज द वाइल अ हैवियर थ्रेट हेल्ड स्ट्रगल विद हिज थ्रोट बट केम नॉट फोर्थ, वो बोला और लेकिन जो है उसने ये धमकी तो दे दी, हैवियर थ्रेट तो उसने दे दिया लेकिन फिर भी जो है उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। फॉर एज द थिएटर्स ऑफ क्राउडेड मैन हबब इंक्रीजेज मोर दे कॉल्ड आउट हश, जैसे कि थिएटर में क्या होता है कि जहाँ बहुत भीड़ होती है तो जितनी भीड़ बढ़ती जाती है उतना ही वो हश हश बोलते हैं। सो एट हाइपेरियंस वर्ड्स द फैंटम पेल बस्टर्ड देमसेल्व्स थ्राइस हॉरिबल एंड कोल्ड, और इसीलिए हाइपेरियन के जो वर्ड्स हैं उनको सुन के वो जो लोग हैं वो थोड़ा डर गए, लाइक उन्हें थोड़ा डर लगा हॉरिबल एंड कोल्ड, ये जो डर था इससे वो डर के और उनके ठंडा ठंडा फील होने लगा, डर के मारे हम ठंडे पड़ते हैं वैसा। एंड फ्रॉम द मिरर्ड लेवल वेयर ही स्टूड अ मिस्ट रोज एज फ्रॉम द स्कमरी मार्च, यानी कि जहाँ पे वो खड़ा था उस लेवल पे जो है मिस्ट आई यानी धुंध आई, मार्श मार्श यानी नीचे जहाँ कीचड़ होता है वहाँ से जो है मिस्ट आई। एट दिस थ्रू ऑल दिस बल्क इन एगनी क्रप्ट ग्रेजुअल फ्रॉम द फीट इन टू द क्राउन, और इसी पे जो है एगनी जो है जो बहुत पेन है बल्क इन एगनी इस जो बहुत सारा पेन है ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ी उसके पैरों से चढ़ के उसके जो ताज तक आ गई, फ्रॉम द फीट ऑन टू द क्राउन, ये जो है एगनी उसके पैरों से चल के उसके क्राउन तक आ गए। लाइक अ लीथल सर्पेंट वास्ट एंड मस्कुलर, जैसे कि कोई लीथ जो सर्पेंट है जो बहुत ही सांप है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत मस्कुलर है, मेकिंग स्लो वे विथ हेड एंड नेक कन्वल्स्ड, वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, फ्रॉम ओवर स्ट्रेन्ड माइट रिलीज्ड ही फ्लेड टू ईस्टर्न गेट्स, और फिर जो है वो ईस्टर्न गेट्स जो है वहाँ से वो निकल गया रिलीज हो गया। एंड फुल 6 ड्यू आवर्स बिफोर द डॉन इन सीजन ड्यू शुड ब्लश, और फिर पूरे जो 6 घंटे तक हैं उस मौसम के वो वहीं बाहर रहा। ही ब्रीथेड फियर्स ब्रेथ अगेंस्ट द स्लीपी पोर्टल्स, उसने जो है उसकी जो सांस भी जो ले रहा है वो ब्रीथ जो उसकी जो ब्रेथ है वो भी बहुत ही फियर्स है अगेंस्ट द स्लीपी पोर्टल्स, क्लियर देम हैवी ऑफ वेपर्स बर्स्ट देम वाइड, और ये जो सांस भी वो जो ले रहा हैवी वेपर्स उसे बाहर आ रही, वेपर्स यानी जो धुआं जो होता है वो बाहर आ रहा है। सडनली ऑन द ओशंस चिली स्ट्रीम्स द प्लांट ऑब ऑफ फायर वेयर ऑन ही रोड, और इसीलिए जो ओशन की जो चिली स्ट्रीम्स है ओशन में से जो ठंडी ठंडी स्ट्रीम्स निकल रही हैं उस पे भी उसने क्या किया आग लगाई, वेयर ऑन ही रोड ईच डे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट द हेवंस थ्रू, और हर दिन जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, स्पिन अराउंड इन सेबल कर्टेनिंग ऑफ क्लाउड्स, और जो क्लाउड्स हैं उनके पर्दों में वो घूमता रहता है, नॉट देयर फोर व्हील्ड क्वाइट ब्लाइंड फोल्ड एंड हिड, और इसीलिए जो है वो अपने आप को ऐसे कोई कवर व्हील करना यानी अपने चेहरे को कवर कर लेना, वो इतना कोई अपने आप को कवर नहीं करता है, ब्लाइंड फोल्ड यानी हम जो आंखों पे किसी के पट्टी बांध देते हैं तो उसको ब्लाइंड फोल्ड करना कहते हैं, एंड हिड यानी छुप जाना। बट एवर एंड अनॉन द ग्लांसिंग स्फीयर्स सर्कल्स एंड आर्क्स एंड ब्रॉड बेल्टिंग कलर, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं आगे कि और क्या क्या है वहाँ पे, सर्कल्स है आर्क्स है और ब्रॉड बेल्टिंग कलर है, ग्लोड थ्रू द रॉट अपॉन द मफिंग डार्क स्वीट शेप लाइटिंग्स फ्रॉम नादिर डीप। अब ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के दो पॉइंट हैं नादिर और जेनिथ, तो ये जो दो पोल्स अपार्ट पॉइंट्स हैं, तो नादिर जो है वो जो है सबसे नीचे है लाइक हेल में सबसे नीचे, लाइक नादिर से गहरा कुछ भी नहीं है और जेनिथ से ऊंचा कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही जो है इसकी जो लाइटनिंग है वो नादिर डीप तक जा रही है अप टू जेनिथ, यानी उस पोल से ऊपर जेनिथ का जो पोल है वहाँ तक वो जा रही है। इसके लिए आपकी बुक्स में बताया हुआ है कि द पॉइंट ऑफ हेवन डायमेट्रिकली अपोजिट टू द जेनिथ द हेवन वेयर सेड टू हैव टू पोल्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्काई विच वाज परसीव्ड एज एन इन्वर्टेड बोल बाय द एंशिएंट ग्रीक्स, उन्होंने ऐसे जो है नादिर और जेनिथ को डिस्क्राइब किया है। विच सेजेस एंड कीन आइड एस्ट्रोलॉजर्स देन लिविंग ऑन अर्थ विद लेबरिंग थॉट वन फ्रॉम गेज ऑफ मैनी सेंचुरीज, यानी जो सेजेस हैं जो बुद्धिमान लोग हैं और जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो धरती पे रह रहे हैं उन्होंने ये सब जो है बहुत वक्त से सोच के रखा था, वन फ्रॉम द गेज ऑफ मैनी सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज से जो है वो ये जीते हैं। नाउ लॉस्ट सेव वॉट वी फाइंड ऑन रेमिनेंट ह्यूज ऑफ स्टोन ऑफ मार्बल स्वॉट देयर इम्पोर्ट गॉन देयर विजडम लॉन्ग सिंस फ्लेड। अब ये जो हीरोग्लिफिक्स जिनकी बात की गई है
ये एक रेफरेंस है इजिप्शियन पिक्चरल लैंग्वेज जो है, यानी वो जो पिरामिड्स पे बहुत सारे फोटोज वगैरह नहीं बन रहते थे, वो उनकी लैंग्वेज थी, जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज थी पिक्चर्स के थ्रू चीज़ें ड्रॉ करना। तो जो यूरोपियंस है इन्होंने उस वक्त में जो है इजिप्ट में वो रोजेटा स्टोन पे ऐसी जो पिक्चरल लैंग्वेज है ये उन्होंने वहाँ डिस्कवर की थी। और जब कीट्स ने ये पोएम लिखी उस वक्त तक जो है लोगों को वो लैंग्वेजेस समझ में नहीं आई थी, उनको कुछ पता नहीं था। अब हमें पता है कि वो क्या है, लेकिन उस वक्त जो है उनको पता नहीं था, और इसीलिए जो है वो लोग वहाँ से भाग गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो वो जो बहुत सेंचुरीज से, जो मैनी सेंचुरीज की बात की गई, उन्होंने वहाँ पे वो लिखे थे रेमिनेंट ऑन रेमिनेंट यूज, जो यूज बहुत बड़े बड़े जो रेमिनेंट्स यानी जो बचा हुआ सामान है वो, ऑफ स्टोन, बचा हुआ स्टोन जो है, ऑफ मार्बल स्वॉट, मार्बल पे वो लिखे गए थे। देयर विजडम लॉन्ग सिंस फ्लेड, उनकी जो विजडम है, उनकी जो बुद्धि है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, यानी वो लोग तो ऑलरेडी मर चुके हैं। टू विंग्स दिस ऑब पजेस्ड फॉर ग्लोरी, टू फेयर अर्जेंट विंग्स, इवन एग्जॉल्टेड एट गॉड्स अप्रोच, एंड नाउ फ्रॉम फोर्थ द ग्लूम ऑफ देयर प्लूम्स इमेंस, प्लूम्स यानी जो होते हैं पंख। तो ये जो है, ये जो फेयर विंग्स हैं, जो पंख है यहाँ पे भगवान के अप्रोच पे, ये जो पंख है ये भी यहाँ से वहाँ अभी फड़फड़ा रहे हैं। रोज वन बाय वन टिल ऑल आउट स्प्रेड वर, यानी कि ये जो पंख है ये भी धीरे धीरे एक के बाद एक उठे जब तक कि वो सारे फैल नहीं गए। वेल स्टिल द डार्जलिंग ग्लोब मेंटेन द एक्लिप्स, और अभी भी जो ग्लोब है यानी जो धरती है उसने अपना एक्लिप्स, ग्रहण जो है उसको मेंटेन करके रखा है। ग्रहण को, क्योंकि अब ये लोग जो है वो हार चुके हैं। अवेटिंग फॉर हाइपेरियंस कमांड, ये जो लोग हैं ये हाइपेरियन के कमांड का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि ये लोग तो सब हार ही चुके हैं, अब जो हाइपेरियन है उसकी ही कमांड पर कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ तक हमने लाइन 290 जो है वो कवर कर ली है। ये हाइपेरियन की बुक वन का सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो है मैं पूरी बुक वन कंप्लीट कर दूंगी, उसमें ज़्यादा नहीं बचा है क्योंकि 290 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो पोएम है 350 लाइंस की है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इतना लंबा भी नहीं होगा, छोटा होगा, और हम जो है पूरी जो बुक वन है उसमें कवर कर लेंगे। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रही है पोएम, मज़ा आ रहा है। एज़ यूजुअल जो नोट्स हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड करके रखी है। आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जो बुक वन है हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।